सपने में ये पांच चीजें दिखने पर होती है अपार धन प्राप्ति। नमस्कार दोस्तों, सपनों का संबंध हमारे भूतकाल एवं भविष्य से होता है। हम सपने में जो भी देखते हैं वह हमारे जीवन को किसी न किसी रूप में प्रभावित करता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सपने में देखी गई हर वस्तु, घटना, जानवर एवं रंग का एक विशेष अर्थ होता है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल द कृष्णा की को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, साथ ही कमेंट में लिखिए जय श्री कृष्ण। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ये पांच चीजें सपने में दिखने पर अपार धन प्राप्ति होती है। पहली है पानी। पानी और धन का प्राकृतिक गुण है बहना। यदि सहेज कर न रखा जाए तो ये दोनों बह जाते हैं। सपने में अगर वर्षा होती दिखाई दे, कुएं से पानी भरता दिखाई दे, नदी एवं समुद्र के दर्शन हो तो अकस्मात धन की प्राप्ति होती है। दूसरी चीज, कूड़े का ढेर। वास्तव में कूड़े के ढेर को दूषित माना जाता है, लेकिन सपने में कूड़े का ढेर देखने पर धन लाभ के योग बनते हैं, लेकिन ये सपना किसी को भी नहीं बताना चाहिए। श्वेत रंग। सपने में श्वेत रंग का दिखना सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। सपने में श्वेत फूल, श्वेत वस्त्र, श्वेत पर्वत, श्वेत घोड़ा दिखना धन प्राप्ति का संकेत होता है। मोर पंख की छाया। सपने में खुद को मोर पंख की छाया में बैठा हुआ देखना शुभ माना जाता है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार इससे धन संबंधी समस्या दूर हो जाती है। कलश। सपने में कलश का दिखना धन आगमन का संकेत होता है। सपने में अगर मिट्टी का पात्र, पानी से भरा घड़ा दिखाई दे तो इससे शीघ्र ही धन संपदा की प्राप्ति होती है। दोस्तों, यह संकेत धन प्राप्ति के हैं, किंतु सपने के भरोसे हाथ पर हाथ धरे बैठने से सपने साकार नहीं होते। आप इन सपनों से उम्मीद लेकर कर्म करें, आप जरूर कामयाब होंगे। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा।